दुनिया के दो महान लोकतंत्र, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अमेरिका, दो महान लोकतंत्रों की दोस्ती और कम्युनिस्ट चीन के लिए मुसीबत का पैगाम, दो बड़े देशों के बीच पूरा हुआ बेका समझौता, 2+2 वार्ता में बेका को अंतिम रूप देने का काम हुआ पूरा। इस समझौते से जहां सूचना के आदान प्रदान के नए रास्ते खुलेंगे तो शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, चीन की दादागिरी कम होगी और भारत की धाक बढ़ेगी। क्या है बेका? बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। भारत के लिए ये समझौता काफी अहम है। अमेरिका इसे अपने करीबी देशों के साथ ही करता है। इससे बेहद संवेदनशील और क्लासिफाइड जानकारी शेयर करने के रास्ते खुल गए हैं। बेका से क्या मिलेगा? बेका का मकसद नॉटिकल और एयरोनॉटिकल चार्ट समेत जियो स्पेशल डेटा की साझेदारी है। इससे भारत को अमेरिका के सैटेलाइट से डेटा मिलेगा जिसका सैन्य इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मैप, नॉटिकल और एयरोनॉटिकल चार्ट, कमर्शियल वे अन्य अनक्लासिफाइड इमेजरी, जियोडेटिक, जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी डेटा भी साझा होगा। बेका से भारत को फायदा। वैसे तो डेटा शेयरिंग दोनों तरफ से होगी, लेकिन इसका फायदा भारत को अधिक होगा। उसे मिलिट्री ग्रेड डेटा का एक्सेस मिलेगा जिसकी मदद से टारगेट को सटीकता के साथ लोकेट किया जा सकता है। मसलन मिलिट्री ग्रेड कोऑर्डिनेट से मिसाइलों या हवा में लॉन्च किए जाने वाले बमों को किसी आतंकी ठिकाने पर टारगेट किया जा सकेगा। मतलब चीन से चल रही तनातनी के बीच ये बेहद अहम है और आतंकियों के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाएगा। इससे भारत के मिसाइलों, फाइटर जेटों को सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह करने में मदद मिलेगी। नौसैनिक युद्ध पोतों से भी दुश्मनों के ठिकानों को आसानी से ध्वस्त किया जा सकेगा। यानी इस समझौते के बाद अब भारत के सशस्त्र बलों को सटीक आंख मिल गई है और वो अब अपनी तरफ आने वाले दुश्मन के न केवल हर वार को भाप लेंगे बल्कि पलक झपकते ही उन्हें हवा में धुआं धुआं भी कर सकेंगे।